पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं कादिर। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। यह गीत पन्ना में उस समय चरितार्थ हो गया जब खेत में छोटी सी खदान लगाकर हीरा खोद रहे प्रकाश कुमार शर्मा को 12.58 कैरेट का हीरा छप्पर फाड़ के मिला। जैसे ही हीरा मिला, प्रकाश की आंखें चकाचौंध रह गई। प्रकाश ने दो साथियों के साथ मिलकर यह हीरा खदान सरकोहा स्थित किंतु रेकवार के खेत में लगाई थी। उसे भरोसा ही नहीं था कि इतना बड़ा हीरा मिलेगा, लेकिन कहते हैं जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ ऐसा ही प्रकाश के साथ हुआ। जिनाइन क्वालिटी के इस बेहतरीन हीरे की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पन्ना के कलेक्ट्रेट स्थित हीरा कार्यालय में खड़ा यह मजदूर प्रकाश शर्मा है जो अचानक चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि प्रकाश को किस्मत बदल देने वाला एक खूबसूरत हीरा मिला है। 12.58 कैरेट का इस हीरे की कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। प्रकाश अब तक मजदूरी करता रहा है, लेकिन जिस तरीके से पन्ना की धरती हीरे उगलती है और रातों रात मजदूर लखपति बन जाता है, वैसे ही प्रकाश के साथ हुआ। अब प्रकाश रोजगार धंधा करेगा। प्रकाश ने हीरा मिलने की खुशी इस तरीके से व्यक्त की। पट्टा हीरा कार्यालय से लिया है। सरकोहा में किट्टू रेकवार की खेत में खदान लगाई है। तीन पार्टनर हैं, तीनों जन मिलकर पैसा लगाया। हम लोगों ने मुसीबत की, कम से कम 6 माह से काम करते थे। आज हमको हीरा मिला है। हीरा कार्यालय में आके जमा किया। 12-13 लगभग 12-13 से का हीरा है। कितनी लागत बताई जा रही है? 30 लाख की लगभग बता रहे हैं। बहुत खुशी है हम लोगों को। अब पहले क्या स्थिति थी, अब हीरा मिलके कैसा लग रहा है? पहले हम लोगों ने नायमा से पैसा करके तीनों जने मेहनत करके खोदी खदान, और तीनों जने मिलके कर्ज लेके इससे उससे तीनों ने मेहनत की मजदूरी। तो अब तो हीरा मिल गई, हीरा मिल गया। हाँ, अब तो बहुत खुशी है। अब इसके क्या करोगे, क्या करोगे इतने पैसे का? बस धंधा पानी करेंगे। हमारे जिले में निकलने वाला एक महत्वपूर्ण हीरा है। इसका वजन लगभग 12.58 कैरेट है, और ये श्री प्रकाश कुमार शर्मा जी ने यहाँ लिया है। उनकी खदान है सरकोहा में, वहीं से ये प्राप्त हुआ। कितना बेस कीमती माना जाए? ये हमारा जो हीरा पार्की है, अभी एक टेंटेटिव उसके अनुसार करीब 25 लाख के आसपास कही है। लेकिन ये 12 कैरेट का किस क्वालिटी का हीरा है? ये जैन उज्जवल क्वालिटी का है, अच्छे क्वालिटी का। तो अब इसको कैसे क्या किया जाएगा? और इसको ऑक्शन में जल्दी से जल्दी रखा जाए। कुछ लोग कीमत 50 लाख भी बता रहे हैं। अब ये तो समय बताएगा, हमारा हीरा पार्की बताएगा, और जब ऑक्शन होगा तो 50 से भी ऊपर जा सकता है, 50 से भी नीचे, ऑक्शन की बात है। तो इसको नीलाम किया जाएगा? बिल्कुल नीलाम किया जाएगा। तो ये खदान कैसे लगाई जाती, कैसे खोद देते हैं? कुछ खदानें यहाँ पट्टे में दी जाती हैं, निजी भूमि और सरकारी भूमि पर, दोनों पर। अब ये निजी भूमि में ही प्राप्त हुआ है। तो ये मजदूर को मिला है? ये अब वो मैं ये बात पर तो नहीं बता सकता कि मजदूर को तो काम मजदूर करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर है फर्स्ट तो उन्हीं को मिले। तो ये हीरे ऐसे कम मिलते हैं? बिल्कुल कम मिलते हैं, इत्तफाक से मिलते हैं, और ये पन्ना नगरी जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। आपको गर्वा है? आपको भी खुशी हो रही होगी बड़ा हीरा देख? बिल्कुल खुशी हो रही है कि इस तरह के हीरे और प्राप्त हों, इस नगरी का विकास हो, लोग सर। हीरा अधिकारी कहते हैं कि इसकी कीमत मिनिमम 25 लाख रुपए है और यह 50 लाख तक का बिक सकता है। कहा इस हीरे को सरकारी खजाने में जमा कर लिया गया है, अगले माह होने वाले ऑक्शन में नीलाम किया जाएगा। हीरे मिले हैं, लेकिन इतना बड़ा हीरा 4 साल बाद इस कार्यालय में जमा कराया गया है, जिससे कार्यालय और कर्मचारी में खुशी है। ज्ञात हो कि राजस्व और वन भूमि विवाद के कारण पन्ना की अधिकांश हीरा खदानें बंद हो गई हैं। इस कारण से हीरा उद्योग चौपट हो गया है। अब यह जो हीरा मिला है, इससे नई उम्मीद जागी है।
पन्ना के अमानगंज में बिना कनेक्शन के आ रहा बिजली का बिल, अधिकारी बात करने को तैयार नहीं। मामला अमानगंज से महज 5 किलोमीटर दूरी स्थित हेनौता दुबे ग्राम का है। पीड़ित ग्रामवासी राम सखा का कहना है कि हमारा घर अपूर्ण स्थिति में पड़ा हुआ है। विद्युत विभाग द्वारा बोर्ड लगा दिया गया जिसमें बिजली का कनेक्शन नहीं है, उसके बाद भी बिल लगातार आ रहा है। बोर्ड वर्ड टंगा है और लाइट आइट की कोई कनेक्शन नहीं है, वहाँ खम्मा की जरूरत है और डोरी बहुत लंबी लगने हैं, वहाँ हम लगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवेंद्रनगर के ब्लॉक अध्यक्ष आनंद शुक्ला द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश चुनावी अभियान का शंखनाद करने भोपाल आ रहे हैं, जिसमें युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव रेहान मोहम्मद ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को 17 सितंबर को अधिक संख्या में भोपाल पहुंचकर राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना है। बैठक में मुख्य रूप से जगत पाल सिंह के साथ अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जाना है और जिनको जाना है वो अपना नाम